अस्सलाम वालेकुम मोजेस खवातीन हज़रात, आइए आपको गुजरांवाला लिए चलते हैं बबली ऑनलाइन में। बबली ऑनलाइन एक ऐसा चैनल है जिसमें हम आपको मुख्तलिफ शख्सियात से मिलाते हैं, लेकिन आज जो शख्सियत है वो गुजरांवाला से बिलोंग करती है और उभरती हुई फनकारा है जिसका नाम है नाज़ी खान। ये नाज़ी शायद बहुत ज़्यादा नाज करती हों तो इनका नाम नाज़ी खान पड़ गया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मैडम? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? तो सुनाएं कैसे 14 अगस्त मना रहे हैं? जी बिल्कुल, जारी बात है। तो आप 14 अगस्त कैसे मनाती हैं? जैसे सब पाकिस्तान लोग मनाते हैं। नहीं, कुछ बंदे तो सिलेंसर निकालते हैं, आप सिलेंसर निकाल? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते। तो सिलेंसर निकालने वालों को आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बुरी आदत है, नहीं करना चाहिए। सिलेंसर ना निकालें, नाज़ी बहुत डिस्टर्ब होती है, प्लीज़। सिलेंसर निकालने से कोई बीमार भी तंग पड़ सकता है और नाज़ी तो बिल्कुल आप क्या फीलिंग होती है जब कोई सिलेंसर निकालता है? नहीं सर, वो अच्छा ही नहीं है, वो अच्छा काम ही नहीं है। नहीं, आपने कभी सिलेंसर निकला हुआ मोटरसाइकिल देखा है? नहीं। हाँ, देखते हैं रास्ते में जब वो लड़के जाते हैं बाइक के ऊपर, तो जब वो अगला पहिया उठाते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम होती है? अल्लाह, देख के डर लगता है कि कहीं इनको कुछ हो ना जाए, गिर ना जाए। आप उनका एहसास करती हैं? सारी बात है। तो जो बंदे वो जो नीचे होता है इसका मोटरसाइकिल स्टैंड, वो जब सड़क पे गिरते हैं तो चिंगाड़े निकलते हैं, तो तब आपके दिल में क्या आता है? मैंने नहीं ये सब कुछ देखा। आपने देखा होगा? नहीं, आपने कभी चिंगाड़े नहीं निकलते देखे? नहीं, मैंने नहीं देखा। तो जब एक लड़का दूसरी बाइक पे जाते जाते एक दूसरे को दूसरी मोटरसाइकिल पे शिफ्ट कर लेते हैं तो तब आपको क्या होता है? मैं ये सब कुछ देखती ही नहीं हूँ। आप क्या करती हैं 14 अगस्त पे? कभी आपने झंडियाँ लगाई हैं छत पे? नहीं। कभी झंडा लगाया हो? हाँ, वो लगाते हैं, झंडा लगाते हैं। हाँ। तो 14 अगस्त वाले दिन सारी फैमिली बैठ के आप उसमें गपशप? तो सारी बातें करनी चाहिए, गपशप तो करते ही हैं। नहीं, उस दिन करते हैं, उस दिन तो आज़ादी होती है। कभी आप घर बताए बगैर बाइक गई हैं? नहीं, ऐसा कभी। तो आप इस पाकिस्तान के लिए अगर आपको जान देनी पड़े तो आप क्या करेंगे? आप जान देनी पड़े, हाजिर है पाकिस्तान के लिए जान? पाकिस्तान के लिए आपकी जान हाजिर है? जी। मेरे घर वालों ने मेरा नाम पाकिस्तान रखा है। आप तो उस्ताद हैं हमारे। नहीं नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान से बड़ा मुल्क मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। जिंदाबाद। ये कोमल बाट है साथ वाले कैबिन से, ये साथ दे रही है हमारा। हाँ जी। तो आप कल ग्रीन कलर के कपड़े पहनेंगी, शलवार कमीज, कुछ ड्रेसेस बनाए इस इवेंट के लिए? जी, ग्रीन कलर के नहीं, वाइट कलर का मैंने शलवार कमीज और ग्रीन कलर का दुपट्टा। वाइट कलर की शलवार कमीज और ग्रीन कलर का कपड़ा कल आप पाकिस्तान को ट्रिब्यूट पेश करेंगी। नाइस ड्रेस ना। 75 इयर्स हो गए हैं पाकिस्तान को आजाद हुए। जी बिल्कुल। तो आप पाकिस्तान की डांसर हैं? जी। क्योंकि पाकिस्तान हम सब का है, कोई जिस भी शोबे में है हम सब का पाकिस्तान है। तो आप डांसर हैं, क्या कल आप डांस करेंगी? हाँ, क्यों नहीं करना, करना है। कल तो बड़ा शो होना है। हाँ। अगर सामने दुश्मन आ जाए उसके हाथ में बंदूक हो। हाँ। और वो आपको कहे कि किसी और मुल्क का नारा लगाओ तो क्या करोगी आप? गोली खाओगी के पाकिस्तान का नारा? नहीं, हम उसको ही मार देंगे। ये है जी पाकिस्तानी का जज्बा, वो डरते किसी से नहीं है, बेशक वो डांसर हो, वो जो मर्जी भी हो, वो डरते किसी नहीं। पाकिस्तान का जज्बा बहुत है, जब हम नारा मारते हैं ना, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, तो उसमें ताकत बहुत आ जाती है, एक जुनून आ जाता है, एक जज्बा आ जाता है और फिर इंसान के सामने बेशक चट्टान हो, पहाड़ हो, वो चीर के चला जाता है। क्यों जी? ऐसे ही है बिल्कुल। चलें जी, नाज़ी का हमने इंटरव्यू किया है, ये 14 अगस्त पे आप इंजॉय कर सकते हैं हमारे चैनल पे। तो बबली ऑनलाइन के बारे में क्या कहेंगे? ये चैनल बहुत अच्छा है, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।